जिला सीतामढ़ी प्रखंड डुमरा ग्राम पंचायत बरियारपुर मध्य विद्यालय, इस विद्यालय में करीब 1,500 बच्चा नामांकित है, जिसमें से 850 बच्चा उपस्थिति है। इस विद्यालय के करीब 20 से 22 रूम है, जिसमें 2 रूम प्राथमिक विद्यालय को दिया गया है और 3 रूम काफ़ी जर्जर है, जिसमें बच्चे को पढ़ाई नहीं हो सकती है, और 7 रूम आधा फील्ड और शौचालय आपदा फोर्स कमांडर के कब्जे में है, जिस कारण बच्चे को पठन पाठन में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, बच्चे को खेल नहीं हो पाते हैं, बच्चे खेल से वंचित हो जा रहे हैं। आने वाले हमारे 7 कमरे को कब्जा किए हुए हैं और हमें प्रथम पाठन में दिक्कतें आती है, 2 क्लास एक साथ बैठते हैं। दो क्लास जब एक जगह लगता है तो स्वाभाविक बात है, जहाँ पर वर्ग कक्ष में जो क्षमता होती है और क्षमता से ज़्यादा बच्चे जो होती है, आप आपदा वाले से तो बिना आज से नहीं, पर जब से वो आए हैं तब से है वो, तो लोग जो जगह है एक्वायर जो किए हुए हैं, तो इसे चूँकि पहले जो है वर्ग कक्ष वहाँ भी संचालित होगा, पहले आज से 2 साल पहले संचालित होगा, इतनी दिक्कत नहीं होती, और वर्ग का संचालित वहाँ हो नहीं रहा है, हमारा सब जो है वो एक्वायर कर लिए हुए हैं, इसके चलते अब साफ व्यवस्था इतना ही। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि आपदा वाले हमारे विद्यालय से कहीं और शिफ्ट करें। इन सारी समस्या को लेकर यहाँ की ग्रामीण विद्यालय सचिव और कोषाध्यक्ष प्रधानाध्यापक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिए थे, लेकिन इनकी समस्या पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई हुई है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूं कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस नंबर पर कॉल करें, 85-444-11-985, इस नंबर पर कॉल करके बच्ची और हमारी इस समस्या को सुलझाने में मेरी मदद करें। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।